हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। नाउ वी कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 8th, चैप्टर 3rd, टॉपिक द प्रोनाउन। इन विच वी रीड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट करता है समथिंग स्पेसिफिक को, ओके, विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। A, this is a gift from my mother. B, that is the red board. C, these are only excuses. D, my shoes are quite different from those in the suitcase. You will notice that the pronouns in italics have been used to point out the object to which they refer to. Such pronouns are called demonstrative pronouns. Example, this is wetter than that in the next room. These are sweet, but those in the market are short. ये this, that, these, those, ये आपके चार फोर वर्ड्स हैं, ये आपके क्या हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। दिस और दैट का, दिस का यूज हम करते हैं जो चीज हमारे पास में होती है, दैट जो चीज हमसे दूर होती है, दीज जो चीज पास में है, दोज दो जो दूर है। दिस दैट का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है, वहीं दीज और दोज का यूज प्लूरल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ वन इन नॉट श्योर ऑफ फैक्ट। वी वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स ओन सक्सेस। सी नन ऑफ हिज सॉन्ग्स आर वेल नोन। डी नन वट फूल्स विल बिलीव यू। ई ऑल वर विटन। एफ सम आर वन ग्रेट। जी समबडी इज नोकिंग एट द डोर। एच नोबडी कैन गो आउट नाउ। आई नोबडी कैन कम टू माई बर्थडे पार्टी। Most of indefinite pronouns may also be used as adjectives, as I will take you to Agra one day. Some milk is needed. Nowadays, it is more useful to use a plural pronoun. They, them, their. As nobody can take taxi if they need. None of them had their share. All the words in italics in above sentences, ये जो words दिए गए हैं italics are pronouns, सभी क्या हैं? ये pronouns हैं that refer to persons or things in general way, जो refer कर रहे हैं person और thing को general way में। Words that do not refer to any person or thing in particular are known as indefinite pronouns. Okay students, words जो रिफर नहीं करते हैं एनी पर्सन और थिंग को इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में जो एनी पर्सन और थिंग को रिफर नहीं करते हैं, आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, कहलाते हैं। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? रीड करना है। ओके, आई होप आप रीड कर लोगे। ओके, थैंक यू।